हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन इमिजन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिजन और क्विज। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी एक मेटल लेते हो तो उसमें बहुत सारे प्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और इनके पास डिसऑर्डर मोशन रहता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालनी है तो आपको एनर्जी लगेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं ये मेटल्स के सरफेस के ऊपर से, तो एनर्जी देके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिजन। तो इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिजन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इमिजन अगर आप करना चाहते हो तो इसमें बेसिकली चार प्रोसेस रहता है। एक रहता है थर्मोनिक इमिजन, सेकेंड आपका रहता है फील्ड इमिजन, थर्ड आपका फोटो इमिजन और लास्ट रहता है सेकेंडरी इमिजन। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालते हो हीट की वजह से तो इसको थर्मोनिक इमिजन कहा जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो तो इसको फील्ड इमिजन कहा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को लाइट के वजह से बाहर निकालते हो तो इसको फोटो इमिजन कहा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो इसको सेकेंडरी इमिजन कहा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, तो सबसे मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो मेटल्स के लिए बेसिक वर्क फंक्शन जो रहता है वो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। तो आप देखिए, सोडियम के लिए 2.28 है, एल्यूमिनियम के लिए 4.08 है। तो ऐसे ऐसे इसका हर एलिमेंट के लिए वर्क फंक्शन अलग है। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के नज़दीक रहेगा उसको आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, जो अंदर रहेगा डीप इनसाइड उसको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे मिनिमम एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। आप देखिए, अगर आप लाइट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, अगर कोई मेटल प्लेट ले रहे हो उसके ऊपर आप लाइट शाइन कर रहे हो, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट आपने शाइन किया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। तो कोई भी मेटल के ऊपर अगर आपने अल्ट्रा वायलेट लाइट दिया हुआ है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। तो इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल बिकॉज ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इमिजन। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, फोटोवोल्टेनिक सेल। इसको कहा जाता है थ्रू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें आप बैटरी नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ लाइट गिराते हो और लाइट गिराने से क्या होता है, आप करंट जनरेट कर रहे हो और आप बल्ब को ऑन कर रहे हो। ये देखिए सोलार सेल है, तो सोलार सेल जो है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन है। तो इसको हम कहते हैं फोटोवोल्टेनिक सेल, क्योंकि ये थ्रू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन है। जस्ट लाइट के वजह से क्या होता है, आप करंट फ्लो करते हो और यहाँ पर ये लाइट को ऑन कर रहे हो। तो दूसरा जो रहता है आपका सेकेंडरी इमिजन। तो मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसके ऊपर अगर आप एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को गिराते हो तो आप दो के वजह से क्या कर रहे हो, यहाँ पर चार्ज जनरेट कर रहे हो। तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। तो देन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल सरफेस एंड पुल द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिजन। तो बहुत हाई वेलोसिटी से क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल के ऊपर और आप अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो उसको कहा जाएगा सेकेंडरी इमिजन। तो इसका यूज क्या होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, इसका शॉर्ट फॉर्म है PMT। इसमें लाइट देके एक मेटल प्लेट के ऊपर गिराई जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मेटल प्लेट के ऊपर हीट करता है तो इसको डायनोड कहा जाता है। तो एक के वजह से दो क्रिएट होता है, तो अगर दो और एक डायनोड को हीट करेंगे तो दो के वजह से चार होंगे और चार जब हीट करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो गए, 16 के 32 हो गए, 32 के 64 हो गए, 64 के 128। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसके लिए इसको कहा जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो जो सेकेंडरी इमिजन रहता है उसका यूज होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। उसके बाद देखिए, अगर आप हीट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो, तो मेटल्स में बहुत सारे प्री इलेक्ट्रॉन्स है और हीट के वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालोगे तो इसको बोलोगे थर्मोनिक इमिजन। तो इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल बिकॉज ऑफ हीट इट इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिजन। मतलब आप हीट दे रहे हो तो हीट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हो। तो अगर आपने एक मेटल प्लेट रखा हुआ है सनलाइट में और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हीट के वजह से, तो इसको बॉइल्ड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो हीट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे तो इसको कहा जाता है थर्मोनिक इमिजन। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है, ये ओल्डन डेज में वैक्यूम ट्यूब में किया जाता था। ये हीट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है तो इसको कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। ये ओल्डन डेज में एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया जाता था। तो ओल्डन डेज में हमारे कंप्यूटर के साइज बहुत बड़े आते थे, तो ये बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए
एयर कंडीशनर का भी यूज किया जाता था कंप्यूटर्स के लिए, इसका यूज होता है इन वैक्यूम ट्यूब। अब नेक्स्ट देखिए हाई फील्ड इमिजन, तो अगर आपने एक मेटल प्लेट लिया हुआ है उसको पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हो तो इसको कहा जाएगा हाई फील्ड इमिजन। तो बेसिकली हाई फील्ड इमिजन जो रहता है, इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है मेटल से बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड हाई फील्ड इमिजन। ये यूज कहा जाएगा, ये यूज होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो इसका आप यूज कर सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इस तरह से ये चार तरह के इमिजन है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस तरह से ये चार तरह के इमिजन है। तो फर्स्ट देखिए थर्मोनिक इमिजन है, जो सेकेंड है फील्ड इमिजन, थर्ड है फोटो इमिजन, सेकेंडरी इमिजन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन होती है बिकॉज ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिजन। अगर इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड फील्ड इमिजन। अगर इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन होती है बिकॉज ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड फोटो इमिजन। अगर इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन हम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिजन। थर्मोनिक इमिजन का यूज होता है इन वैक्यूम ट्यूब, फील्ड इमिजन का यूज होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फोटो इमिजन का यूज होता है इन सोलार सेल, और सेकेंडरी इमिजन का यूज होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। और जो मिनिमम एनर्जी लगेगी, सबसे कम से कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल प्लेट से, तो इसको कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। कोई भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। तो आप देखिए सोडियम के लिए 2.28 है, एल्यूमिनियम के लिए 4.08 और ये प्लेटिनम के लिए 6.35, तो इस तरह से 2 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। तो वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। I hope students it is clear to you. Now I am sharing my quiz over.